नमस्कार आदाब शतश्री अकाल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 21 अगस्त 2021 दैनिक रियल न्यूज एंड एनालिसिस में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों और खबरों को आपके साथ में लेकर हाजिर हूं जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ और पढ़ना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज हमारे पास आइए साथियों शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से सबसे पहली सुर्खी ही के अंदर पूरी दुनिया के अंदर टॉक ऑफ द टाउन जो बना हुआ है दैट इज तालिबान और उसके कारण आज हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर एक ऐसी कम्युनिटी जिसका नाम है हजारा कम्युनिटी जिसे टैग किया गया है दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित अल्पसंख्यकों के रूप में तो दुनिया के सबसे ज्यादा पीड़ित अल्पसंख्यक दैट इज हजारा कम्युनिटी आज इनके बारे में आज चर्चा करेंगे जानेंगे किस प्रकार से तालिबान के आने से इनकी संख्या को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दूसरी महत्वपूर्ण खबर आज आपके सामने बनने वाली है आजकल के युवाओं के बीच में जो सबसे ज्यादा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसे वाले बनने का जो सपना है दैट इज क्रिप्टो करेंसी और उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर हाल ही में किस प्रकार से सेंध मारी है चोरों ने और चोरों ने सेंध मार करके ने चोर कहना भी थोड़ा सा गलत होगा हीस्ट कहिएगा तो मनी हीस्ट कैसे हुआ है, कैसे हुई है आज के सेशन में आपको चर्चा के दौरान बताया जाएगा क्या है पूरी कहानी बहुत महत्वपूर्ण रूप से और उन सभी के लिए जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं क्या वो सेफ है आज के सेशन में चर्चा की जाएगी तीसरी हाल ही में साथियों यानी कि कल ओ, हाँ कल कल साथियों मोपला विद्रोहों की सौवी वर्षगांठ थी मोपला विद्रोह जिसकी सौवी वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई इसको लेकर के कुछ राजनीतिक बयानबाजियां हुई राजनीतिक बयानबाजियों को आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से मोपला विद्रोह आज के समय में तालिबानी मानसिकता से लिंक किया जा रहा है आज के सेशन में चर्चा की जाएगी एक ऐसा आंदोलन जिसे केरल सरकार ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन कहा और आज राजनीतिक पार्टियां इसमें से तथ्य निकाल करके बताती हैं कि यह तालिबानी मानसिकता है तो चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण है बहुत ही ही गंभीर विषय है 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 जिस पर चर्चा की जानी है। हाल ही में आरबीआई ने कहा है कि वो पच्चीस हजार करोड़ रुपए के गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगी तो आज हम सीखेंगे कि क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिसके माध्यम से आरबीआई पूरे मार्केट में से पैसा कंट्रोल करती है आज के सेशन में चर्चा की जाएगी ठीक इसी प्रकार से साथियों हाल ही में एक ऐसा मूवमेंट जिसका नाम है इनसेल मूवमेंट चर्चा में है क्या होता है ये इनसेल मूवमेंट जिसके चलते यूके के अंदर पांच लोगों की जान चली गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मूवमेंट के प्रमाण शायद आप अपने आसपास भी देख पाते हो चर्चा करेंगे गंभीर विषय है इसके साथ साथ हर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रसाद योजना के तहत 20 अगस्त को सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया चर्चा करेंगे क्या है ये पूरी कहानी इसके साथ साथ पिछले तीन वर्षों में देश में लगभग अड़सठ लोग बाढ़ भूस्खलन चक्रवात जैसी मौसम आपदाओं के तहत जान दे चुके हैं इसके साथ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अट्ठारह अगस्त को आरोग्य धारा 2.0 की उन्होंने शुरुआत की क्या है आरोग्य धारा आज पता करेंगे अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की एक नई जाति पाई गई है जिसका नाम है कैसकेड मेंढक

45 डेज के अंदर अपने प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एक क्रैश कोर्स जिसके माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स के महत्वपूर्ण तथ्य जहां आपकी तैयारी के अंदर कमी रह गई है उन चीजों को महज पंद्रह हजार रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं और यूजिंग तो है, है ऐसा बैच यूपीएससी के लिए उपलब्ध है जिसमें आप दो मतलब दो महीने के लिए अन अकेडमी के साथ में पढ़ पाएंगे यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित टेन अंकित टेन यूज करके आप लोग तेरह हजार पांच सौ रुपए में na Academy para. एक बैच जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर अक्टूबर के प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इतना ही नहीं उस समय पर इस बैच के अंदर जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी तो क्लासेस आप देख ही पाएंगे इसके अतिरिक्त जो अन्य क्लासेस पैरल चल रही होंगी इन्हें भी आप ज्वाइन कर पाएंगे तो यदि आप में से कोई इस समय यूपीएससी की प्रिपरेशन में है तो गो एंड गेट सब्सक्रिप्शन नाउ यह ऑफर बुधवार तक अवेलेबल है फॉर दिस वेडनेसडे यदि आप चाहते हैं

एस लेवल का या फिर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं आप और आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो इसके लिए स्टैटिक जीके में हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी इन सभी बैचेस को मैं एस कैटेगरी के, के अंदर फाउंडेशन लेवल पर ले रहा हूं जैसे आप एनसीआर लेवल कह सकते हैं यूपीएससी लेवल का जो कंटेंट है वो हम यूपीएससी में डिलीवर कर चुके हैं यदि आप फाउंडेशन लेवल फॉर स्टेट पीसीएस स्टेट पीसीएससी और एस एस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लें जिसमें वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आर्ट एंड कल्चर आने वाला है

तो आज का मोटिवेशन है इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी करने बैठते हैं जैसे

एक दिन में कैसे हम सुंदर राइटिंग लिख पाएंगे लेकिन अगर आप चाह लेते हैं कि मेरी राइटिंग बहुत खराब है और उसको मैं सुधारना चाहूं तो टफ तो है यह काम मैं मानता हूं इस चीज को लेकिन इंपॉसिबल नहीं है साथियों मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर प्रयास किए और प्रयास के रूप में मैं एक ऐसे विद्यार्थी का अक्सर अच्छा जिक्र करता हूं मेरे मित्र हैं कभी आपको मिलवाऊंगा जो वर्तमान में जो नावी आप वो, वो जो अभी आ, वो बनाए थे ना नोबल नोबल जिनको मिला था लिथियम आयन बैटरी के लिए जापान के हैं उनके साथ में वो वर्तमान में मेरा दोस्त काम कर रहा है उनकी लैब में

मिताली यश गुंजन अभिषेक भावना मिनाक्षी, नीलेश अनामिका सनी, मोहित रागिनी जितेंद्र सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग सेशन को जल्दी से शेयर करिए पढ़ना शुरू करिए और जानते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में सबसे पहली जो बात है वो आज है अफगानिस्तान के अंदर हजारा जाति समूह कौन है अच्छा देखिए साथियों आप और हम ना इस चीज चीज को लेकर के एक से आश्वस्त हो जाएं आप में से इन दिनों बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार आना शुरू हो गया होगा जैसे मेरे आना शुरू हो गया है हर दिन अफगानिस्तान पढ़ते पढ़ते अब एक हैंगओवर सा भी होने लगा है लेकिन अगर आप अपने लोकल न्यूज पेपर्स उठा के देखें स्थानीय न्यूज पेपर्स जो इंडिया में इन दिनों चल रहे हैं अगर आप उन्हें उठा करके देखें तो शायद आजकल कम से कम तीन से चार न्यूज आपके लोकल न्यूज़पेपर में अफगानिस्तान की आ रही है जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व रहेंगे भविष्य में आप लोगों को उसके लाभ उतने ही ज्यादा होंगे ताकि आप भारत में होने वाली चीजों को पकड़ पाएंगे जैसे रिसेंटली एक पॉलिटिकल बयानबाजी हुई है जो मैं तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा इसलिए अफगानिस्तान के के विषय साथ में अभी से, डिटेच अभी से से मत होने देना अपने आप को क्योंकि है। है तो ज्यादा ग्लोबल न्यूज हो गई है, है, ना? तो अभी चर्चा का क्या है? हजारा जातीय समूह कौन है क्यों कर रहे हैं हम इसकी चर्चा क्योंकि साथियों हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो अल्पसंख्यक पीड़ित हैं उन पीड़ित अल्पसंख्यकों के अंदर अफगानिस्तान में है कहा जा रहा है इनके साथ में इस तरह के शब्द क्यों यूज किए जा रहे हैं केवल इसलिए यूज किए जा रहे हैं क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम अफगानिस्तान की कुल आबादी का पैंसठ परसेंट सिक्सटी हजारा कम्युनिटी थी लेकिन आज ये महज आठ से दस परसेंट के बीच में बची है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कभी पैंसठ परसेंट तक अफगानिस्तान की कम्युनिटी थी वो आज आठ से दस परसेंट बची है फिर आप पूछेंगे क्या ये केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं बड़ा सवाल है नहीं साथियों ये अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी मिलते हैं ताजिकिस्तान में भी मिलते हैं होना और इनका मरना तय हो जाता है बोले क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं चलिए थोड़ा सा इतिहास जानते हैं फिर इसे रिलेट करेंगे तो आज का हमारा जो सेशन है उस से अंदर हमने किया है ये इंडियन एक्सप्रेस से और बहुत सारे न्यूज जहां

अगर आप नोटिस करें तो एक जगह है साथियों जिसका नाम है बेमियोन बेनियॉन करके एक जगह है जो कि सेंट्रल अफगानिस्तान में स्थित है यहां पर बहुत बार चर्चाएं हुई हैं किस बात की चर्चाएं हुई हैं क्योंकि साथियों यहां पर यह कहा गया कि बेमियॉन के अंदर बुद्ध की प्रतिमाएं गिराए जाने का कि तालिबानियों ने बुद्ध की प्रतिमा गिरा दी तो अब आप में से कई लोग यह कहेंगे अच्छा तो हजारा बुद्धिस्ट होते हैं आप अभी से कंक्लूड ना करें क्योंकि इतना जल्दी कंक्लूजन पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है फिलहाल के लिए आप सुनते चलें। यहां पर एक जगह है जिसे बेमियॉन के नाम से आप जान रहे हैं अफगानिस्तान के सेंट्रल में इस बेमियॉन नामक स्थान पर हाल ही में न्यूज़ जो आई वो ये थी एक व्यक्ति जो आपको यहां पर बैठे दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी प्रतिमा यहां पर बनी हुई है इनका नाम है साथियों अब्दुल अली माजरी रिसेंटली इसी बैमयान नामक स्थान पर इन अब्दुल अली माजरी जो हैं इनकी प्रतिमा को गिरा दिया गया किसने गिरा दिया तालिबानियों ने गिरा दिया और इस प्रकार से गिराया कि जो इनका धड़ है वो धड़ जमीन पर गिर गया अब आप पूछेंगे कि सर ये ये के अंदर ये जो व्यक्ति है, इसको क्यों गिराया गया? अच्छा, अब मैं सुनते चलिएगा कि बेमियान में पाए जाने वाले जो हजारा है, अब ये कैसे मैं आपके सामने फ्रेमिंग सुनिए हजारा कहते हैं अपने बारे में कि हम लोग मुस्लिम हैं हजारा क्या कहते हैं अपने बारे में कि हम लोग मुस्लिम हैं कौन से मुस्लिम हैं तो आंसर है शिया मुस्लिम हैं अच्छा शिया मुस्लिम है तो फिर क्या पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान के अंदर शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है आंसर है बिल्कुल सही है यानी कि अगर आपको मैंने दो दिन पहले भी एक आ, पाकिस्तान का वीडियो किया था अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान में हाल ही में शिया लोगों का जो मोहर्रम का पर्व चल रहा था मोहर्रम का महीना चल रहा था असल में उस अवसर पर पाकिस्तान के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी पचास लोग घायल हो गए थे अभी मैंने परसों ही पढ़ाई है वो न्यूज़ तालिबान के कारण वर्तमान में यही प्रकार की घटनाएं कहां हो रही हैं? इसी बमियान में हो रही हैं। ऐसा क्यों क्योंकि हजारा कम्युनिटी अपने आप को कहती है कि वो शिया मुस्लिम है अच्छा तो क्या अफगानिस्तान के अंदर शिया सुन्नी विवाद चल रहा है आज हाँ। से दो दिन पहले एक बार के लिए आप उसे देख लीजिएगा और टेक्निकल टीम से निवेदन है कि उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पिन कर दें ताकि विद्यार्थी डिटेल में समझ पाए तो साथियों वर्तमान में सुन्नी समुदाय के द्वारा शिया समुदाय के ऊपर जो अटैक हुआ उसके अंतर्गत ये वाली मूर्ति जो मैंने आपको दिखाई ये तोड़ दी गई फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए हजारा कम्युनिटी जो कि है तो मुस्लिम ही इसको अफगानिस्तान में टारगेट क्या इसलिए किया जाता है कि शिया है साथियों आपको इस बात से जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हें शिया मान के तो टारगेट किया ही जाता है लेकिन इन्हें पूछा भी नहीं जाता कि तुम शिया हो या नहीं हो आप पूछेंगे ऐसे क्यों साथियों असल में इसके पीछे की कहानी कुछ और है वो कहानी ये है कि जो शिया ये जो लोग हैं हजारा कम्युनिटी के ये अपने स्पेशल अपीरियंस के कारण जाने जाते हैं अब अपीरियंस के कारण कैसे जाने जाते हैं क्या है इसके पीछे का लॉजिक साथियों असल में क्या है कि ये दिखने में मैंगलॉइड करेक्टर के होते हैं मैंगलॉइड करेक्टर का मतलब क्या होता है ये दिखने में ही मंगोलियन प्रकार के लगते हैं अब आप पूछेंगे मंगोलियन कैसे होते हैं सर बताता हूं मैं जैसे इंडिया के अंदर आप पूर्वोत्तर भारत के लोगों को शेष भारत से अलग पहचान लेते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है उनकी आंखें छोटी होती हैं नाक चपटी होती है चेहरा गोल होता है ये मंगोलियन करेक्टर है मंगोलियन करेक्टर के जो लोग होते हैं ये पूरे विश्व में अलग से पहचान लेते हो आप जैसे जैसे आप जापानी लोगों को चाइनीज जापानीज को चाइनीज को इन लोगों को अस, आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हो इनके चेहरे की बनावट से ये जो इनके चेहरे की बनावट है ना इसके पीछे जो फीचर है या जो करैक्टर है वो माना जाता है मंगोलियन करैक्टर अब आप पूछेंगे ये मंगोलियन करैक्टर आया कैसे ये तो इनके जीन में होगा ना सर मतलब ये दिखने में इस प्रकार के मैंगेलॉइड लगते क्यों हैं तो अब मैं आपको बताता हूं चेहरे की बनावट के पीछे का राज क्या है थोड़ा इतिहास चलते हैं साथियों मंगोलिया में कभी एक बहुत क्रूर सेनापति हुआ था और उस क्रूर सेनापति का नाम था चंगेज खान मंगोलिया का एक बहुत ही क्रूर सेनापति हुआ था वर्ष 1200 से 1300 के बीच के समय में इसके समय को लेकर के भी इतिहासकार थोड़े कंफ्यूज ही रहते हैं तो मैं आपको एक लंबा रेंज दे रहा हूं मंगोलिया कहां है चीन के उत्तर में वहां पर एक बहुत क्रूर सेनापति हुआ जिसका नाम था चंगेज खान कहते हैं कि वो इतना प्रभावशाली सेनापति था इतना आक्रामक और इतना क्रूर था कि उसने चाइना से लेकर के इधर इराक में बगदाद तक इस पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया था यानी कि उसका जो क्षेत्र है आप एक तरफ पूर्व की तरफ चले जाओ जापान वाले क्षेत्र से लेते हुए दूसरी तरफ इराक वाले क्षेत्र यानी आप इंडिया के उत्तर में जितने भी जगह है ना उन सभी क्षेत्रों को देखोगे तो वो आपको चंगेज खान के द्वारा विजित क्षेत्रों के रूप में ऐतिहासिक रूप से पता चलती है जो चंगेज खान था वो मंगोलियन था मंगोलियन का मतलब उसकी नाक चपटी नाक चपटी आंखें छोटी चेहरा गोल अब ये जो चंगेज खान वाला कैरेक्टर था अब इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि इसकी जो पूरी सेना थी ये पूरी सेना बिना अपने परिवार के ही विश्व विजय पर निकली थी अब आप समझते जाइए मैं क्या बोलता जा रहा हूं इसकी जो सेना थी वो बिना परिवार के ही विश्व विजय पे निकली थी इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी सेना का लीडर था जिसके अंदर जो सैनिक थे वो घर वापस लौटे ही नहीं उनके परिवार रास्तों में ही बसते चले गए यानी सैनिक जो थे वो जहां जहां से गए महिलाओं पर अत्याचार होता गया या फिर सैनिक रास्ते में ही रुकते चले गए या फिर उनके परिवार रास्ते में ही बसते चले गए कहीं शादी कर ली कोई कहीं सेटल हो गया कहीं उसके बच्चे हो गए कुछ इस प्रकार से पूरी की पूरी दुनिया में यह मंगोलियन करेक्टर फैल गया आज जो आप इन लोगों को देखते हैं जैसे आप मंगोलाइड कहते हैं असल में इसके पीछे जो सबसे बड़ा रूट है वो चंगेज खान का निकाला जाता है बोले अच्छा तो इसका मतलब में भी ये जो इंगेज खान का ही प्रभाव था तो मुख्य रूप से चेहरे की बनावट अलग प्रकार की रखते हैं नुकीली नाक वाले हैं शार्प फीचर्स वाले हैं लंबी कदकाठी वाले हैं लेकिन हजारा कम्युनिटी के जो लोग हैं ये छोटी कदकाठी के हैं और इनकी बनावट विभिन्न प्रकार की है तो इन लोगों से पूछा भी नहीं जाता जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में पूर्वोत्तर भारत के लोगों को आप देखकर पहचान लेते हैं नेपाल से आए हुए लोगों को आप देखकर पहचान लेते हैं कि इनकी बनावट के आधार पर ये पहाड़ी राज्यों के होंगे ऐसे ही इनके साथ भी यही है कि इन्हें देख के डायग्नोस कर लिया जाता है अच्छा तुम वहां से हो और इन्हें इसलिए फिर प्रताड़ित किया जाता है कि अब आप दूसरी तरफ से तो अब आप पूछेंगे सर चंगेज खान तो मुस्लिम था साथियों यही सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी है कि चंगेज खान के नाम के पीछे खान लगा हुआ है लेकिन कहते हैं कि वो बौद्ध था अब इस बात को लेकर भी कंट्रोवर्सी है और यही अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कुछ लोग कहते हैं चंगेज खान इस्लाम मानता था कुछ लोग कहते हैं चंगेज खान बुद्धिज्म को मानता था अब इसके सार्थक प्रमाण नहीं है लेकिन एक चीज है जो कि यहां पर बहुत बड़ा डिबेट का विषय है और वो क्या है विषय यह है कि जिस बमियान नामक स्थान पर ये लोग पाए जाते हैं इस पर्टिक्यूलर जगह पर इस बमियान नामक स्थान पर जहां पर हजारा कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं ये हजारा कम्युनिटी के लोग इसी क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं अब आप इस बात को थोड़ा सा रिलेट करिएगा हजारा अपने आप को कहते हैं कि हम शिया लोग हैं शिया मुस्लिम हैं लेकिन इसी क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमाएं अफगानिस्तान में अगर कहीं पाई जाती हैं तो वो ये वाला क्षेत्र है और आपको मालूम होगा बहुत बार इस प्रकार की न्यूज निकल के आती है कि तालिबानियों ने बुद्ध की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया विश्व प्रसिद्ध बमियान के अंदर ही है बुद्ध की प्रतिमा तो यहां से लोग ये रिलेट करते हैं कि हजारा में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी बुद्धिज्म को मानते हैं नंबर दो पॉइंट नंबर तीसरा पॉइंट कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोग आए तो बुद्धिस्ट बन के थे लेकिन फिर इन्होंने शिया धर्म को अपना लिया यानी समुदाय को अपना लिया शिया समुदाय को ज्वाइन कर लिया ठीक है तो ऐसी स्थिति में जो बाकी बच्चे जो सुन्नी है वो इनका मारने का काम करते हैं तीसरा पॉइंट हो गया चौथा पॉइंट

अच्छा नदर अलायंस जो है अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको यह बढ़ाया था कि यह हम यहां पर जो पंचसिर करके जो स्थान है वहां पर पाए जाते हैं नदरन अलायंस के लोग नदरन अलायंस के लोग तालिबान की खिलाफत करते हैं अब हजारा जो हैं यह पंचसिर को अपना समर्थन देते हैं और यह जो है पंचसिर को जब अपना समर्थन देते हैं तो इनके ऊपर इसी कारण से क्या होता है हजार जाट करके इन्होंने अपनी एक जगह बना रखी है जहां ये लोग रहते हैं और पंचशिर को समर्थन देते हैं यानी कि तालिबान के अंदर तालिबान के विरोध में हजारा भी है और उधर की तरफ से दूसरी तरफ से नदर अलायंस वाले भी हैं इन दोनों गठबंधनों के साथ लड़ाई किसकी होती है तालिबान की इनमें से आसानी से मारे जा सकने वाले हजारा हैं हजारा कम्युनिटी के जो लोग हैं क्योंकि पंचशीर के जो लोग हैं वो तो दिखने में भी मतलब अफगानिस्तान जैसे हैं तो उनकी तो आसानी से पहचान नहीं हो पाती इनके साथ ऐसा होता है कि ये देखते ही पहचान में आते हैं और पहचान में आते ही इन्हें मार दिया जाता है यानी इनको तो अफगानिस्तान में मुस्लिम भी नहीं माना जाता अभी रिसेंट डेज में ये चर्चा क्यों आई है अब इसके पीछे भी चर्चा सुन लीजिए मैंने आपको बताया था और प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर देखा हो तो थम्सअप करिएगा मैंने आपको कल परसों एक न्यूज परसों के दिन शाम के दिन मैंने एक वीडियो कवर किया है जिसमें मैंने शिया सुन्नी समझाए हैं और मुहर्रम और वो कर भी दिया है टीम ने उसको पिन भी कर दिया है आप देख लीजिएगा समय निकाल करके इसमें मैंने आपको बताया था कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है शिया सुन्नी आपस में क्यों लड़ते हैं तो असल में इस समय चल रहा है मुहर्रम का महीना तो इस मुहर्रम के महीने के अंदर जो शिया समुदाय के लोग हैं ये दुख में रहते हैं और मैंने आपको बताया था कि हुसैन की मौत की उसमें मतलब गम में इस महीने को मतलब मनाया क्या जाता है दुख में रहा जाता है शिया समुदाय के द्वारा तो वर्तमान में जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं दुख में काले कपड़े पहनते हैं काले कपड़े पहनते हैं और गम में रहते हैं ऐसी स्थिति में ये जो सुन्नी लोग हैं ये शियाओं के इस मुहर्रम के महीने को जिसमें ये लोग अपने आप को दुखी रखते हैं यानी कि जो शिया लोग है, उनके साथ बदला लेने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं और पहचान पहचान करके कि ये काली ड्रेस में है लुक में दिखी रहा है और वैसे भी ये शिया है तो इस आधार पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार होते हैं साथियों इतिहास में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे इनके ऊपर घटनाक्रम हुए हैं कि लाखों की संख्या में इनको मारा गया लाखों की संख्या में मारे जाने के इनके प्रमाण मिलते हैं कहते हैं कि इन इनको मतलब मारने के जो प्रमाण मिलते हैं एक ऐसे ही तालिबान का एक नेता हुआ था जो मतलब एक प्रकार से समझिएगा बहुत पुरानी बातों में से एक है इसका नाम था आ, आमिर अब्दुल रहमान खान जो कि माना जाता है कि इसने लाख हजारा फैमिलीज का करवा कर दिया था मतलब ये ऐसा व्यक्ति था जिसने चार लाख हजारा फैमिली एक साथ मरवा दिए थे मास जीनोसाइड किया था इसी प्रकार से ये तो पुरानी उनमें से एक माना जाता है ये ठीक इसी प्रकार से मतलब ये बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक कहा जाता है ऐसे ही साथियों 1998 में हुआ था जिस समय पर मतलब ये रिसेंट में जब तालिबान का शासन 1996 से लेकर के 2001 के बीच में अफगानिस्तान के अंदर रहा था तो उस समय एक बहुत बड़ा फिर से मसैकर हुआ था मजार शरीफ नामक स्थान पर जिसकी एनिवर्सरी को अभी 8 अगस्त 2021 को मनाया गया जिसमें हजारों की संख्या में मसा जो हजारा हैं इनको मार दिया गया था मतलब देखते ही शूट एंड साइट होता है इनका तो यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है रिसेंटली इसी मुहर्रम के अव, मतलब समय पे यहां पर फिर से ब्लास्ट की घटनाएं हुई हैं जिसके कारण फिर से यह दुनिया के बीच में चर्चा का विषय बन गया है कि हजारा जो है वो किस प्रकार से मतलब अब्दुल रहमान खान के समय से लेकर के अब तक मतलब आ, पीडित पक्ष में रहे हैं और ये आ, आए दिनों मतलब दुनिया के अंदर अब आप, आप देखिए आप शायद चेहरे की बनावट से ना इन्हें अब रिलेट कर पाए मैं मतलब क्षेत्रवाद या नस्लवाद नहीं फैला रहा हूं लेकिन आप एक मतलब जो मैं करेक्टर बोल रहा हूं कि आप इनकी छोटी आंखों से इनके चेहरे की गोलाई से इनके रंग रूप से जिससे कि इन्हें पहचाना जाता है आप देख सकते हैं कि हज़ारों को किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करते हैं इनका जो रिकॉग्निशन है ना यही इनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बना हुआ है और इनकी मास जिनोसाइड होती है अभी कल मतलब हमारे लोकल न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर जो हिंदी का अखबार आता है उसमें तो मतलब एक ऐसा भी मतलब विभत्स करने वाला सीन दिखाया गया था कि हज़ारा कम्युनिटी के कुछ लोग थे जो कि अब तालिबान के डर से घर छोड़कर चले गए थे लेकिन जब उनका खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो वो घर लौटकर आए तालिबानी लोग वहीं घात लगाकर बैठे हुए थे और घात लगाकर बैठे हुए उन तालिबानियों ने जब हजारा लौटकर घर को आए तो उनको इस प्रकार से मारा कि उनके शरीर से हाथ को अलग कर दिया मतलब हाथ पैर तो अलग करने ही है इतने टुकड़ों में बांट दिया गया परिवार के ऊपर मास जीनो साइड यहां पर होता है 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 और और बहुत ही जबरदस्त स्थिति साथियों अब कुछ चंद लाखों के अंदर इसकी संख्या बची है। और हजारा जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पीड़ित कम्युनिटी में से एक कंसिडर किए जा रहे हैं चलिए तो ये थे साथियों मैंने आपको एक हजारा कम्युनिटी के बारे में बता दिया इनके बारे में सवाल आपसे कैसे पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ना कुल मिलाकर के कुछ ऐसे धार्मिक क्षेत्र बन चुके हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं हो रही हैं जैसे चीन के अंदर जिंजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम्स म्यांमार के अंदर रोहिंग्या म्यांमार के अंदर रोहिंग्या और इसी प्रकार से यहां के हजारा और साथ में पाकिस्तान के बलोच ये चार ऐसे मुस्लिम संगठन ग्रुप बन चुके हैं जिनके ऊपर है। है, है। तो है पूरा पूरा अब आगे बढ़ते हैं ये जो दूसरी खबर हम लेकर के आए हैं ये खबर आप लोगों को बहुत ज्यादा पर्सनली टच करने वाली है अब आपको पर्सनली टच कैसे करने वाली है जरूर इसके बारे में सुनिएगा जापानी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लिक्विड क्या है साथ ही एक मूवी आई थी प्यार का पंचनामा उसमें एक लड़के का नाम था लिक्विड अगर आपको याद हो जो बात बात पे फैल जाया करता था शायद आप में से ने देखी भी होगी यहां पर फिलहाल जो लिक्विड है ये लिक्विड एक ऐसे समझिए वॉलेट है अब इसको वॉलेट को कैसे समझेंगे जैसे ना आप में से बहुत सारे लोगों ने पे या फिर -पे का उपयोग कर रखा होगा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पेटीएम में पैसे रखते होंगे पेटीएम में पैसे जो है वो उनके अकाउंट में दिखते होंगे कि पेटीएम वॉलेट में इतने रुपए पड़े हुए हैं किसी के एक रुपया पड़ा होगा किसी के हजार रुपए पड़े होंगे किसी के लाखों रुपए भी हो सकते हैं कि उसने अकाउंट में डाल रखे वॉलेट तो वॉलेट और बैंक में क्या अंतर है भाई हम वॉलेट में क्यों डालें हम बैंक में क्यों ना डालें पैसे तो हम बैंक में भी डाल सकते हैं अच्छा पहले बैंकों के साथ ये होता था कि वो केवल वर्किंग आवर्स में ही काम किया करते थे वर्किंग आवर्स का मतलब हुआ जब ऑफिशियल बैंकिंग आवर्स चल रहे हैं उसी समय काम करते थे तब ये पेटीएम फोन पे, -पे वॉलेट जैसी सुविधाएं आई इन्होंने क्या किया इन्होंने साथियों ये किया कि आप बैंक से कुछ पैसा निकाल करके इनके अकाउंट में डाल दीजिए अब आप उस पैसे को चाहे आधी रात को यूज करिए चाहे आप सब्जी वाले के पास यूज करिए कहीं पर भी यूज करिए फट से स्कैन करिए वॉलेट से पैसा ट्रांसफर होकर के चला जाएगा यह फीचर इतना पसंद किया गया कि जब आप, आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय पेटीएम रातों रात जो है ना वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गया था कि भाई हां जबरदस्त काम हो गया क्योंकि लोगों ने दबा के पेटीएम डाउनलोड किया था वॉलेट व्यवस्था के कारण आजकल वॉलेट व्यवस्था और चर्चित है वो किस लिए है आजकल लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वो क्रिप्टो परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद उसे वॉलेट में रखते हैं अब ये क्या कहानी है अब यहीं से समझाता हूं मैं आपको जैसे आप लोग रुपया पेटीएम में रखते हैं ऐसे ही क्रिप्टो के लिए भी कोई ना कोई वॉलेट होता है तो क्या सर पेटीएम में हम क्रिप्टो को रख सकते हैं जी नहीं क्रिप्टो पेटीएम में अभी मतलब जो है वो क्रिप्टो में डील नहीं कर रहा है अच्छा तो फिर क्या होता है क्या ही तो आप में से लोग पूछेंगे सर एक मिनट हमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता आप शुरू से बताओ तो मैं आसान भाषा में यह बता देता हूं कि दुनिया की एक ऐसी करेंसी है जिसका कोई मालिक नहीं है क्रिप्टो करेंसी उसे कहा गया है बोले कोई मालिक नहीं है मतलब जैसे रुपया जो है उसका मालिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत सरकार है ऐसे मतलब, ऐसे चाइना का जो है वो युआन है ऐसे ही अमेरिका का डॉलर है ब्रिटेन का पाउंड है जिसके ऊपर सरकारों ने नियंत्रण रखा हुआ है यूरोपियन कंट्रीज का यूरो है जिसके ऊपर सरकारों ने कंट्रोल रखा हुआ है कितना छापना है कितना निकालना है ये सब सरकारें करती हैं लेकिन साथियों क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी बनी जिसमें कि कोई सरकार उसको यूज कर नहीं सकती यानी कि कोई भी सरकार उस पर नियंत्रण नहीं रखती और वो ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों के बीच आती है बोले सर ऐसा कैसे होता है मैं फिलहाल के लिए छोटी सी बात में समझा देने का प्रयास करता हूं फिर इस मुद्दे पर तुरंत लौटूंगा क्योंकि जब तक जो अनजान लोग हैं उन्हें क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता है तब तक उनके लिए यह सवाल वेस्ट हो जाएगा तो थोड़ी सी जानकारी क्रिप्टो के बारे में में सरल भाषा में ऐसे समझिए मैंने ना मतलब अपने ऐसे समझिए मैं एक, एक प्रयास करता हूं शायद आपको समझ में आ जाए मैंने क्या किया एक पेज लिया और उस पेज के ऊपर ऐसे समझिए कि यह मेरे हाथ में एक पेज है और इस पेज के ऊपर मैंने कुछ ऐसे ऐसे पेन से चला दिया हमारा पेन भी नहीं चलना चाह चा रहा है मैंने ऐसे ऐसे पेन चला दिया बस इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया कुछ ना कुछ कर दिया कुछ ना कुछ कर दिया अब मैंने इसके ऊपर ये पेन से पेपर -पे पर पेन से कुछ कर दिया है निशान से बना दिए शायद आपको दिख रहे हो ठीक है अब मैंने कहा बेटा ये ले जा अब ये मेरा साइन है बोले सर आपका ये साइन कितने रुपए का है मैंने कहा बेटा ये मेरा जो साइन है ना ये दस रुपए का है बोला अच्छा सर इतना सस्ता है सर अरे बेटा अंकित अवस्थी या साइन दस रुपये में दे रहे ले जाओ याद रखोगे आपने एक बार के लिए ये साइन ले लिया साहब बोले लाओ सर हमको ये साइन दे दो ये दस रुपये का साइन लेकर आप चले गए आप में से कोई और आया बोले सर आपने अपना साइन जो था वो दस रुपये में बेचा था सामने वाले को मैंने कहा हाँ बेचा था सर मैं भी चाहता हूं वैसा ही साइन आप मेरे लिए भी कर मैंने कहा नहीं भाई साहब अपन ने जो एक बार कर दिया वो एक ही बार है अब दूसरी बार नहीं होगा सर ऐसे कैसे हो सकता है सर कुछ हमारे लिए भी सर प्लान करिए ना सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मैंने कहा चलिए तुम्हारे लिए भी करते हैं तो मैंने अभी तो ये वाले साइन किए थे जो गजब ही अद्भुत प्रकार के थे अब मैं दूसरी तरफ साइन कर दिया मैं दूसरी तरफ साइन कर दिया यो 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 करके ये लीजिए ये मैंने अलग प्रकार के साइन कर दिए मैंने कहा जाओ बेटे ये साइन हो गया आप में से कईयों ने कहा सर हम ना इसकी नकल बना लेंगे मैंने कहा बना ही नहीं सकते तुम इसकी नकल बना ही नहीं सकते ये ऐसा साइन है बोले अच्छा और सर इसकी मैंने कहा इसकी भी नहीं बना सकते इसका भी मैं पेटेंट ले चुका हूं बोले अच्छा एकदम परफेक्ट चीज बना दी मैंने अब तुम्हारे लिए यह बना दिया फिर आप में से कोई आया उसमें से आकर किसी ने कहा कि सर एक काम करिए हमारे लिए कोई तीसरा साइन बनाइए भाई साहब मैं मतलब एकदम बड़ी हस्ती हो गया और मैं खचाखच खचाखच खेच करके साइन करने लग गया बोले सर ये साइन ये ये वाले कर दिए मैंने अब आप पूछ रहे कहना क्या चाहते हो आसान भाषा में बताओ तो आसान भाषा में सुनो बेटा असल में ये जो साइन मैंने अभी आपके सामने पेपर पर किए क्रिप्टो करेंसी में ऐसे ही साइन एप्लीकेशन के रूप में समझा जाए तो एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं जिन्हें डिजिटल सिग्नेचर तो नहीं कहा जाता लेकिन वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे दोबारा रीडिजाइन नहीं किया जाता एक बार बन गया जो बन गया गया जो जो अब वो डिजाइन है ना ये मार्केट में बिकता रहता है बिकता रहता है ऐसे मतलब क्या हुआ आप में से किसी ने मुझसे ये वाला साइन परचेज किया था दस रुपए में और वो ले गया कि मेरे पास अंकित अवस्थी सर का ऐसा यूनिक साइन है कि वो आज के बाद कहीं और मिलेगा ही नहीं तो आप में से किसी ने कहा अरे यार थोड़ी बहुत इज्जत हम भी करते हैं गुरु जी की चल थोड़ा सा उनका नाम बढ़ेगा चल ला दस की जगह ग्यारह में मुझे दे दे तू तो इस साइन को भाई साहब किसी ने उसको ग्यारह में ले लिया कोई दूसरा उसको बीस में ले लिया कोई तीसरा उसको चालीस में ले लिया और भाई साहब गुरु जी को पता ही नहीं है कि उनका साइन मार्केट में बिक रहा है लोगों को बस मजा आ रहा है मजा आ रहा है तो लोग साहब उस पे, उस साइन को अब ये है तो क्या एक साइन है लेकिन मार्केट में साहब बढ़ते बढ़ते भाव इसके लाखों में पहुंच गए गुरुजी फेमस हो गए लेकिन गुरुजी के पास कुछ नहीं आया इसमें लोग ही पैसा कमा रहे हैं पैसे कैसे कमा रहे हैं भाई ये तो साइन बन के तैयार हो गया अब इसके बाद में यहां पर पैसे कमाए जा रहे हैं क्यों भाई इसकी वैल्यू इतनी है ये दोबारा बनाया नहीं जा सकता ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और यूपीएससी में ये लास्ट ईयर सवाल पूछा भी गया प्रम्स में क्रिप्टो करेंसी बहुत मतलब जबरदस्त डिबेटेड टाइटल है इस समय का अभी मुद्दे से तो हम आए ही नहीं है अभी तो हम केवल भावनाएं समझ रहे हैं फिर आपने पूछा सर जब ये इतना ही यूनिक है तो ये प्रोग्रामिंग होती होगी सर इस पन्ने को तो उठा करके हम कहीं भी रख सकते हैं अलमारी में धर दिए किताबों के बीच फंसा दिए लव लेटर की तरह लेकिन सर अगर मान लीजिए ये जो साइन आपने बताया अब आपने कहा कि ये तो यूनिक है अब सर इसको रखेंगे कहां <laughs> यही तो बात है आपको समझनी है तुम बेटा साइन को रखोगे कहां क्योंकि अल्टीमेटली ये तो मैंने पूरा प्रोग्रामिंग के माध्यम से किया है अब इसको रखेंगे कहां प्रोग्राम को कहां रखते हैं सर ये बताइए तो मैंने कहा जाइए इसके लिए मैं आपको एक पेटीएम जैसे वॉलेट की व्यवस्था देता हूं तो हमने एक क्या बना लिया जैसा वॉलेट बना लिया वॉलेट का मतलब समझ में में आ गया जैसे में आपको रुपया दिखता है ऐसे ही अब आपके पास एक वॉलेट बना उस वॉलेट में आपने अपना साइन सुरक्षित रख दिया कि सर मेरे पास एक क्रिप्टो करेंसी है एक ऐसा साइन है मेरे पास में जिसको कोई नकल नहीं मांग सकता आपने उसको रख दिया आपके अब अकाउंट में दिखाई दे रहा है वन क्रिप्टो अब वन क्रिप्टो में कई नाम है जैसे बिटकॉइन है इथेरम है डॉजिकॉइन है ऐसे आपने उसके अंदर अपने पास भाई मेरे पास इतने क्रिप्टो हैं ठीक है अब आप में से कई ने कहा सर कितने का बिकता है एक क्रिप्टो यही कुछ दस लाख यही कोई बीस लाख कोई क्रिप्टो हो सकता है एक एक करोड़ का बिक रहा हो सर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है तो भाई साहब इसकी भी व्यवस्था है बोले क्या व्यवस्था है भाई सब लोग इस क्रिप्टो को भी हिस्सों में बेच देते हैं हिस्सों में बेच देते हैं मतलब कि एक क्रिप्टो का एक पॉइंट मतलब पॉंट वन हिस्सा उसके मालिक आप हैं कितने का है वो बेटा सौ रुपए लगाओ पॉइंट वन हिस्से के मालिक बन जाओ तुम दो सौ रुपए लगाओ पॉइंट टू हिस्से के मालिक बन जाओ इस प्रकार से लोग जो है उसके हिस्से परचेज कर लेते हैं अब आगे बात समझ में ये कहा होता है वॉलेट में डाला होता है सर तो इसकी फायदे क्या हैं? बेटा फायदे तो ये हैं कि कई लोगों में दीवान की चढ़ी हुई है भाव बढ़ते जा रहे हैं एक बात बताओ कई बार आप लोग वॉल पर लगी हुई पेंटिंग देखते हो आप देखते हो कि भाई साहब इस पेंटिंग में ऐसा क्या है ये करोड़ों रुपए की बिकी है इससे ज्यादा अच्छे तो लकीटे हम खेच देते आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कई बार इस तरह की न्यूज देखी होंगी जिसमें भाई साहब एक बहुत दीवार पर सफेदी सी बनाई हुई है और बीच में गोला खेच दिया रेड कलर का और अब बोला जा रहा है वाह क्या पेंटिंग है बोले क्यों बोले इस पेंटिंग के अंदर जो है अद्भुत व्यक्तित्व की परिभाषा झलक रही है बोले क्या था सर इसके अंदर बोले यही तो नहीं पता यही तो नहीं पता एक भाई साहब ने गदब गदब लाइने खेची हुई है एक करोड़ की पेंटिंग है वो बोले ये क्या है समझ तो नहीं आ रहा लेकिन यह मॉडर्न आर्ट है अच्छा और मॉडर्न आर्ट कितने की है बोले यार मेरे को बढ़िया लगी ये सौ रुपए की है दूसरा आया तूने सौ रुपए लगा दी तो हम क्या कम छोटे हैं क्या ये डेढ़ सौ की है तीसरा आ रहा है उसके ऊपर भाई चढ़ती चली गई बोली मतलब उससे अच्छे तो भाई अपने जो किनारे बैठे पेंटर होते हैं ना वो हु पेंटिंग बना देते बेचारे उनकी सौ रुपए की भी नहीं बिकती और एक पेंटिंग है जो जबरदस्ती करोड़ों की बिक गई अब बात समझ में ऐसे ही हो रहा है क्रिप्टो के साथ क्रिप्टो जो ये है कि उसको वापस बनाया नहीं जा सकता अब लोग जो एक बार बन गया तो फिर आप पूछेंगे सर बनाया नहीं जा सकता ऐसे तो क्रिप्टो खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है साथियों बहुत सारी कंप्यूटर्स की मशीनें लगी हुई है जो हर दिन एक नए प्रकार का हर दिन एक नए प्रकार का क्रिप्टो बनाने का प्रयास करती हैं जिसे क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं कई बार साथियों बड़े बड़े मतलब ये समझ लिये, सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर लेवल के लगे हुए हैं जो एकदम यूनिक प्रकार का अपना वो बनाना चाहते हैं मतलब प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तब जाकर के एक क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है इसे क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं है ना अच्छा तो फिलहाल के लिए हमने ये बात तो समझ ली अब चलते हैं आगे सर न्यूज क्या है अब न्यूज पर आते हैं साथियों अब यहां पर फिर से पढ़ते हैं प्लेटफॉर्म एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लिक्विड अब ये क्यों बोला अब दोबारा सुनिए सर मुझे क्रिप्टो खरीदनी है सर मैं कहां से खरीदूं तो बेटा एक काम करो आपके पास में एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होना चाहिए मेरा क्रिप्टो मैंने आपको बेच दिया आपने किसी और को बेच दिया तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना एक मार्केट चाहिए ना ऑनलाइन सरकार तो सब्जी मंडी लगा नहीं रही इसकी ऑनलाइन चाहिए ना तो ऑनलाइन का नाम क्या है लिक्विड ऐसे जापान की साथियों एक ऐसी ही ऑनलाइन मंडी जिसमें बेची जाती थी उसका नाम है लिक्विड इतनी बात समझ में आ गई बोले आ गई सर यहां तक तो क्लियर हो गया कि लिक्विड क्या है तो ऑनलाइन मार्केट है एक जिसमें क्रिप्टो कोई बेचता है कोई खरीदता है चलिए अच्छी बात है अब आप पूछेंगे सर मार्केट तो सही है लेकिन मैं रखूंगा मैं अपनी ईमेल आईडी पर रखूंगा कोई चोरी कर लेगा मैं कहीं और रखूंगा तो कोई चोरी कर लेगा एक काम करते हैं सर जब ये इतना बड़ा व्यापार करते हैं ये लोग तो एक काम करते हैं सर मैं अपना जो है ना अपना जो पैसा है अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है वो इसी लिक्विड के वॉलेट में डाल देता हूं जैसे आप में से कुछ लोग पेटीएम से पेमेंट तो कर देते हैं पे से पेमेंट करने के बाद फिर आप विचार क्या करते हैं अरे आर, पे से पेमेंट तो मैंने कर दिया लेकिन अब पता चल रहा है कि मैं एक दिन बैंक से पैसा ही नहीं निकाल पाया तो चल मैं इसके वॉलेट में पांच रुपए डाल देता हूं है ना आप में से कई लोग आज भी जबकि बैंक जो है वो तुरंत पेमेंट कर रही है लेकिन फिर भी आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं क्लियर है ऐसे ही आपने वॉलेट में पैसे डाल रखे तो वॉलेट जो है वो लिक्विड भी उपलब्ध कराता था अच्छा अब आप क्या कहेंगे अब आते हैं सवाल के ऊपर सवाल क्या है जरा इसको सुनिए साथियों इस न्यूज को सुन लीजिए फिर हम आगे चलेंगे साथियों लिक्विड समझ में आ गया बात सारी समझ में आ गई जरा इस न्यूज को पढ़िए जापानीज क्रिप्टो एक्सचेंज लिक्विड क्रिप्टो करेंसी स्टोलन <laughs> साथियों न्यूज है कि हंड्रेड मिलियन डॉलर के हंड्रेड मिलियन डॉलर के क्रिप्टो चोरी हो गए कहां से चोरी हो गए लिक्विड के वॉलेट से चोरी हो गए भाई साहब ये हो क्या रहा था मतलब क्रिप्टो किसी के वॉलेट में रखे थे कल को सोचो पेटीएम जो है वो हैक हो जाए पेटीएम के अंदर जितना भी बैलेंस रखा है वो भाई कोई और उड़ा ले गया हैकर उड़ा ले गया आ गई बात समझ में सर क्रिप्टो तो सर कही जाती थी चोरी नहीं होती अरे यार क्रिप्टो जैसी दोबारा नहीं बनाई जा सकती लेकिन आपने जहां रखा हुआ है मैं वो पर्स ही चुरा ले जाऊं तो एक बात बताओ मैं बोल रहा हूं नोट जो बना दिया भारत सरकार ने वैसा नोट नहीं बनाया जा सकता ठीक बात है लेकिन बना करके तिजोरी में तो रखा होगा बोले हां और मैं तिजोरी चोरी कर ले जाऊं तो अरे भाई साहब तो यहां पर लिक्विड चोरी हो गया है लिक्विड में हंड्रेड मिलियन डॉलर के नोट थे मतलब क्रिप्टो थी चोरी हो गई क्या बात कर रहे हो लिक्विड ग्लोबल ऑफिशियल की न्यूज सुन लीजिए लिक्विड ग्लोबल ऑफिशियल ने कहा है इंपॉर्टेंट नोटिस वी आर सॉरी टू अनाउंस दैट लिक्विड ग्लोबल वार्म वैलेट अब एक शब्द है यहां पर यहां पर लिखा गया है वार्म वॉलेट अब ये वार्म वॉलेट क्या है अभी बताते हैं वार्म वॉलेट वर्क कॉम्प्रोमाइज वी आर मूविंग असेट्स इन टू कोल्ड वॉलेट अब ये क्या है भाई साहब कोल्ड वॉलेट और वार्म वॉलेट बोले अभी तक तो हमको कुछ भी नहीं पता था अब ये क्या हो गया आप पूछेंगे सर एक बात बताइए ये एक लिक्विड था ग्लोबल ये था जो लिक्विड ग्लोबल ये इंडिया में भी वर्क करता था क्या बोले नहीं बेटा ये इंडिया में वर्क नहीं करता था तो इंडिया में कौन से वाले वर्क करते हैं वजीर एक्स है कॉइन बेस है लेजर है ट्रेजर है एक्जोड ट्रस्ट है ग्वारदा है कुल वॉलेट है आप इसे कई कलाकार यहां पर भी हैं इसमें भी कई खरीद रखे हुए जैसे लिक्विड है ना ऐसे इंडिया के ये वाले हैं फिर आप पूछेंगे सर एक मिनट एक मिनट इस न्यूज़ में दो शब्द लिखे हुए हैं एक लिखा हुआ अगर कि आपके -ये में पैसे थे, आप उन पैसे से कोई भी सामान खरीद पा रहे हैं यानी तुरंत पेमेंट खरीद कर पा रहे हैं दैट इज वॉलेट यानी आपका ट्रांजेक्शन चालू है लेकिन जरा विचार करें कि आपका पेटीएम में पैसा है आप उसको यूज नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि पेटीएम ने उसे लॉक कर दिया है क्यों क्योंकि कोई उसे चुरा ना ले कौन चुरा लेगा चुराने के लिए तो बैठे हैं ना हैकर्स हैकर चुरा ना ले इसलिए साथियों आपका पेमेंट फ्रीज कर दिया गया है दैट इज नॉन एज कोल्ड वॉलेट दोबारा सुन लीजिए अगर आपका पैसा अकाउंट से यूज कर पा रहे हैं दैट इज नॉन एज वार्म वॉलेट वॉलेट और और हॉट अगर आप अपना पैसा यूज नहीं कर पा रहे हैं यानी फ्रीज कर दिया गया है दैट इज कोल्ड वॉलेट तो ग्लोबल ने क्या कहा है ग्लोबल ने कहा है, हमारा अकाउंट हो गया है हैक ऐसी स्थिति में हम अपने बाकी बचे जो पैसे हैं इन्हें वार्म वॉलेट से कोल्ड वॉलेट में भेज रहे हैं हंड्रेड मिलियन डॉलर जा चुका है और बताएं मजा आ रहा है चलिए थोड़ी एक न्यूज और सुन लीजिए और न्यूज है साथियों जरा इसे देखिए बिटकॉइन के साथ तो जो हुआ सो हुआ एक चीज और हम आपको बताते हैं अब ये कहा है? ये गए हाँ जी ये तो हो गया लिक्विड के बारे में वो दूसरी न्यूज हम लाए नहीं आपके बारे में चलिए बताते हैं एक और बताते हैं साथियों इससे पहले क्रिप्टो करेंसी के साथ रिसेंटली पंद्रह दिन पहले मैं वो उस न्यूज लेकर के नहीं आया उसमें छह मिलियन डॉलर के आसपास एक पॉली नामक कंपनी थी पॉली उस पॉली नामक कंपनी का वॉलेट हैक हो गया

पैसे मांगे कि महाराज पैसे वापस लौटा दो हमारे इसकी एवज में हम आप लोगों को कुछ इनाम की राशि दे देंगे तो कहा जा रहा है कि उस हैकर ने कुछ पैसे उसमें से लौटा दिए वो एक अलग स्टोरी है चलो कभी बदबाद में बताएंगे बोले एक बात बताओ सर यदि ये वॉलेट हैक होते गए तो ऐसे तो जो लोग हर दिन करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं कि मैंने लाख रुपए का कल क्रिप्टो खरीदा था आज एक करोड़ का हो गया उसका क्या होगा गया बेटा आपका पैसा फिर आप पूछेंगे सर ऐसे तो इंडिया वालों का भी हो सकता है किसी का भी हो सकता है चलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं केवल एक न्यूज बता रहा हूं फिर आगे बढ़ेंगे केवल एक बार के लिए इस न्यूज को देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे जरा इस न्यूज को देखिए क्या लिखा हुआ है टू साउथ अफ्रीकन ब्रदर्स हैव हैद्री पॉइंट सिक्स बिलियन ऑफ बिटकॉइन बिगेस्ट क्रिप्टो हिस्ट इन हिस्ट्री दोबारा सुन लीजिए साथियों एक जबरदस्त न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं शायद आप इस न्यूज के मायने ना समझें जून 23 की न्यूज है 2021 की क्या न्यूज है दो साउथ अफ्रीका के भाई थे ये रहे वो दोनों भाई इनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था एफ्रीक्रिप्ट इस एफ्रीक्रिप्ट वाले ये जो दो भाई थे इनकी कंपनी अफ्रीका के अंदर क्रिप्टो करेंसी में डील किया करती थी जैसे पेटीएम करती है जैसे फोन करती है वैसे के अंदर रुपए के अंदर जैसे लिक्विड करती थी क्रिप्टो के अंदर जैसे पॉली करती थी क्रिप्टो के अंदर डील ऐसे ही इन भाइयों की एक कंपनी थी जिसका नाम था एफ्रीकेट उस एफ्रीकेट में अफ्रीका का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज हुआ करता था कितना 3.6 बिलियन डॉलर का पता है मैंने कुछ दिन पहले ही आपको यह न्यूज़ पढ़ाई थी शायद आप याद कर लें मनी चोरी हो गई थी इनने कहा कि हमारा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और हमारे 3.6 बिलियन डॉलर के जो क्रिप्टो हैं वो चोरी हो गए हैं हैकर ने चोर लिए हैं बाद में पता है मैंने लास्ट मंथ आपको ये न्यूज बढ़ाई थी शायद आपको याद हो आपकी मेमोरी अच्छी होगी तो याद आ जाएगा ये दो भाई थे जिनमें से एक का नाम था रईस काजी और दूसरे का नाम था अमीर काजी थे दोनों ही पैसे वाले नाम में दोनों के पैसा है एक का नाम रईस काजी एक का नाम अमीर काजी इन दोनों के बारे में जो न्यूज आई थी बाद में पता चला कि ये वेनातुआ वेनुआतु करके एक जगह है आइलैंड अगर आपको याद हो वेनुआतु मैंने बताया था एक पैसिफिक एशियन के अंदर आइलैंड है उसके अंदर इन्होंने बकायदा आइलैंड में सिटीजनशिप परचेज कर ली रीजन ये दोनों भाई ही पैसा लेके भाग गए थे कुछ याद आया भाई साहब बिटकॉइन स्कैम ब्रदर बिहाइंड बिगेस्ट कॉन इन हिस्ट्री बाय सिटीजनशिप ऑफ आइलैंड यानी कि जिनकी कंपनी के क्रिप्टो चोरी हो गए थे वो क्रिप्टो वाले भाई हाल ही के अंदर एक सिटीजनशिप खरीदते हुए पाए गए थे किसी एक और आइलैंड आइलैंड की जहां पर इन्होंने खरीद लिया यू समझिए आई बात समझ में तो भाई साहब आप जिस क्रिप्टो के पीछे इतने जबरदस्त तरीके से पागल हो रखे हैं उन सबसे नम्र निवेदन है कि क्रिप्टो को जब तक सरकार मान्यता ना दे तब तक थोड़ा बच करके इन्वेस्ट करिए कहीं और धन किसी चीज में इन्वेस्ट करिए ये जो सस्ता कमाई है ये किसी और के लिए कमाई हो जाएगी कोई और लेके भाग जाएगा क्या ही मीनिंग निकलेगा तो थोड़ा केयरफुल रहिए और फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए आफ्टर ऑल आप तो देखिए जो मेहनत से धन नहीं आता ना वो धन मतलब वो वही वाली बात है बिना त्याग के जो धन आ रहा है वो धन आपके काम का नहीं है वो किसी ना किसी समय बड़ा झटका दे इससे अच्छा है कि थोड़ा सतर्क रहे सावधान रहे ये कुछ उदाहरण उदाहरण है जिनके माध्यम से क्रिप्टो के अंदर जो हमारे दीवाने लोग अटके हुए हैं उनको बताने का प्रयास किया गया बाकी सर आपकी मर्जी है हमने तो आपको अवेयर कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं भाई इसके अंदर ठीक है चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न वह भारत में वर्तमान में काफी विवाद का कारण बना हुआ है और कारण क्यों बना हुआ है आइए हम शुरू करते हैं हाल ही में साथियों 1921 में हुए मोपला विद्रोह की वर्षगांठ मनाई गई 1921 के अंदर मालाबार हुआ था उसकी सौवी वर्षगांठ कल मनाई गई सौवी वर्षगांठ 1921 में हुआ एक किसान आंदोलन के नाम से चर्चित जिसका नाम था मालाबार विद्रोह इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मोपला विद्रोह यह रिसेंटली न्यूज में था

चर्चा में तो आया ही हमारे पास डिस्कशन करने के दो कारण हैं क्योंकि मालाबार के सौ साल पूरे हो गए तो समझिए यूपीएससी के लिए तो बना बनाया एक सवाल 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 मिल गया है यानी कि सवाल यहां से से आएगा आएगा ही आएगा। हिस्ट्री से सवाल ऐसे ही उठाता है जो चर्चा में आ गए वो सवाल बन गए ठीक है अब यहां से लेकिन हमारे लिए भी कुछ और एक चीज जुड़ गई और वो क्या है मोपला रिवेलियन जिसे कि मालाबार विद्रोह कहा गया है ए मैनिफेस्टेशन ऑफ तालिबानी माइंड आरएसएस लीडर राम माधव राम माधव ने कहा है कि जो मोपला विद्रोह था मालाबार विद्रोह था ये एक तालिबानी माइंडसेट का प्रमाण था अब आप पूछेंगे सर तालिबानी माइंडसेट कहते किसको है? आप रहे हैं हैं आप देख नहीं रहे तालिबान के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी की जान लेने में पड़ी हुई है और ज्यादा स्पष्ट होकर के कहूं तो मेजॉरिटी जो मुस्लिम है वो अपने अलावा माइनॉरिटीज को मारने में लगी हुई है ये थे शब्द के मायने अब आते हैं वापस क्यों न्यूज बन रही है क्यों मालाबार विद्रोह कंट्रोवर्सी में आ गया है क्या है इसके पीछे का इतिहास जिसे आज तक आपने किसान आंदोलन के नाम से पढ़ा उसके पीछे की क्या है ऐतिहासिकता आज के सेशन में जानते हैं क्या है साथियों पूरी कहानी चलिए डिस्कस करते हैं साथियों हुआ क्या वर्ष उन्नीस के अंदर केरल के अंदर अब केरल आपको अच्छे से पता है जब हम भारत का मैप देखते हैं तो अपने भारत के मैप में दक्षिण भारत के अंदर दिशाओं को कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं ऊपर की तरफ वाली हिस्सा नॉर्थ कहलाता है नीचे की तरफ वाला साउथ कहलाता है आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है मैप में और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है तो हम दक्षिण भारत की बात करते हैं और दक्षिण भारत में वेस्टर्न साइड की बात करते हैं दक्षिण भारत का जो वेस्टर्न साइड है जहां केरला है उस केरला का भी पश्चिमी तट जो अरब सागर से लगा हुआ है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है किस तट के नाम से जाना जाता है मालाबार तट ठीक है अच्छा इस मालाबार तट में एक जगह थी जहां पर साथियों घटना हुई यह मालाबार तट के पास लगी हुई एक जगह थी और यहीं पर मोपला विद्रोह हुआ था क्या हुआ था अब बताते हैं साथियों वर्ष 1921 की बात है अब मैं इस घटना को आपको पहले घटना को बता देता हूं फिर हम आगे चलेंगे हुआ कुछ इस प्रकार से था कि यहां पर मोपला नाम से मोपला कम्युनिटी हुआ करती थी जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी थी उस मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा यहां पर बड़ी संख्या में जमींदारों की हत्या कर दी गई थी लगभग दस हजार लोग मारे गए थे जिनमें से कहा जाता है आंकड़ों के आधार पर कि मेजॉरिटी में मारने वाले जो थे वो लोग हिंदू थे इसके अलावा जो बाकी बचे मतलब मेजोरिटी का आंकड़ा इस प्रकार से है कि लगभग सात हजार के आसपास हिंदू मरे थे और लगभग तीन हजार के आसपास विद्रोही लोग यानी कि जो मारने आए थे वो मरे थे किसने मारा फिर इनको मारना और मरने की कहानी कैसे हुई विद्रोहियों को कैसे मारा गया विद्रोहियों को मारने के लिए अंग्रेजों का साथ था किसको साथ था जमींदारों को साथ था भारतीय इतिहास में से दो प्रकार से पढ़ाया जाता है और यहीं से आजकल इतिहास की रीराइटिंग के ऊपर री प्रयोग शुरू हो गए हैं क्या है कहानी से सुनिए इतिहास का एक पक्ष जो हमने आज तक आपने पढ़ा हमने पढ़ा हमने जिस तरह से मालाबार विद्रोह को पढ़ा वो क्या था पहले वो सुनते हैं और फिर एक नया वर्जन सुनेंगे जो नया वर्जन है एक वर्जन ये जो हमको पढ़ाया जाता है आज तक इतिहास की किताबों में वो ये लिखा जाता है कि मालाबार तट पर जमींदार जो था जमींदार का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता साथियों अंग्रेजों के टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि अगर आपकी एक बहुत बड़ी लैंड है तो उस लैंड को एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता था जो अंग्रेजों को उस लैंड का किराया देगा किराया देगा से मतलब क्या हुआ मान लीजिए मेरे पास दस बीघा जमीन है मैं खुद तो कृषि नहीं कर सकता लेकिन अंग्रेजों को मुझे टैक्स देना है मुझे टैक्स देना है और अंग्रेजों ने उस दस बीघा जमीन का जिसका मालिक मैं भी नहीं था मुझे बना दिया कि मैं तुम्हें यह दस बीघा जमीन का मालिक बनाता हूं यानी जमीन का दार बनाता हूं दैट इज जमींदार बनाता हूं तुम मुझे इस पर टैक्सेशन देते रहना और इतना पैसा मुझे हर साल देते रहना अब तुम्हारे मन में आए जैसे तुम इस जमीन से पैसा कमाओ तो ऐसी स्थिति में जमींदार क्या करता था वहां पर अपने लिए किसान ढूंढता था जो सस्ते दामों पर काम कर सके उन किसानों से वो काम करवाता

उस घोषित व्यक्ति का काम यह है कि वो आपसे कर वसूलेगा क्यों वसूलेगा क्योंकि उसको अंग्रेजों को देना है और आपको पता ही नहीं है वो अचानक व्यक्ति आपके सामने प्रकट होता है और कहता है कि इस जमीन के आपको एक लाख रुपए देने हैं आपने कहा भाई साहब मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं बोले मुझे अंग्रेजों ने भेजा है, अगर नहीं दिए तो मारूंगा अब आप डर के मारे उस जमींदार को पैसे देना शुरू कर दिए एक तरीका तो यह होता था जिसे आप कर वसूली कहते थे दूसरा तरीका यह होता था कर वसूली अगर आप नहीं कर पाए यानी कि अगर आप टैक्सेशन नहीं दिए तो यह भी होता था कि समटाइम्स उस जमीन के ऊपर जो लगान लगा है यानी कि जो टैक्सेशन लगा है उसको चुकाने के लिए कई बार जो कृषक होता था ये जमींदार से ही लोन लेता था जमींदार से लोन लिया और जमींदार को ही चुका दिया ऐसी स्थिति में जमींदार जमीन का मालिक स्वतः बन जाता था क्योंकि के बदले किसान उसे अपनी जमीन हो गई थी, और उस के अंदर अंग्रेजों का समर्थन था यानी अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से ही किसानों का शोषण किया करते थे ऐसी स्थिति में मालाबार तट के ऊपर जो भी लोग कृषक के रूप में थे वो कृषक तो थे वहां पर मेजोरिटी मुस्लिम दैट इज मोपला मोपला किस, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का नाम था और मोपला जो थे वो जमींदारों से त्रस्त थे जमीदार कौन थे जमींदार कौन हिंदू थे और हिंदुओं से वो त्रस्त थे हिंदुओं को समर्थन किसका था अंग्रेजों का क्यों क्योंकि जमींदार से ही तो पैसा मिलेगा इन्हें तो यहां पर घटना यह हुई कि एक दिन अब इसके अंदर यहीं से यह न्यूज निकल करके आती है जिससे कि पूरी की पूरी कहानी बदलती जा रही है मैंने एक फोटो ली थी आप लोगों के लिए अगर वो दिख जाए तो ठीक होगा ये रही साथियों एक दिन इस व्यक्ति के नेतृत्व में जिसका नाम है वनिया कुन्ना क्या नाम है इसका कुंज अहमद हाजी यह है वरियन कुंज अहमद हाजी इस हाजी के नेतृत्व में जमींदारों को लगान देने से लोगों ने मना कर दिया यह यहां का नेता था अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताएं यह नेता कौन था मुस्लिम था अच्छा ठीक है फिर सर इसके बारे में विरोध क्या हो रहा है इसके बारे में भी बताइए अभी बताते हैं साथियों असल में अब हाजी की कहानी सुनिए हाजी मोपलाओं का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था अब थोड़ा इतिहास में और चलते हैं जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक चीज निकल करके आती है कि वर्ष 1916 के अंदर जब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी उस दौरान गरम दल और नरम दल कांग्रेस के आपस में मिल गए थे वहीं कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मुस्लिम लीग कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जो है ठीक इसी प्रकार से खिलाफत आंदोलन कर रही मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों के बीच भी समर्थन हो गया था यानी कि ये दोनों भी आपस में मिल गए थे 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट के माध्यम से जो पैक्ट हुआ था कहा जाता है कई बार कि वो पैक्ट एक ऐसा पैक्ट था जिसने भविष्य में चल करके पाकिस्तान के बनने की मांग को प्रबल कर दिया आप पूछेंगे ये कैसे चलिए थोड़ा मॉडर्न इतिहास में और आपको जानकारी देते हैं साथियों आपको मालूम होगा मार्लियामेंटो सुधार 1909 में हुए थे जिसमें यह कहा गया था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति दी जाएगी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा उस सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को शुरुआत के अंदर कांग्रेस ने माना नहीं था कांग्रेस ने क्या कहकर नहीं माना था कांग्रेस ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक ही हैं तो मुस्लिमों को मुस्लिमों का ही नेता चुनने का अधिकार क्यों दिया जाए मुस्लिम हिंदू को भी तो वोट दे सकते हैं हिंदू मुस्लिम को भी तो वोट दे सकते हैं तो कांग्रेस ने इस आधार पर पृथक निर्वाचन पृथक निर्वाचन का मतलब जो जिस कम्युनिटी का है वो उसी कम्युनिटी के लोग को चुनेगा उस पृथक निर्वाचन का कांग्रेस ने विरोध किया था साथियों उन्नीस में तो विरोध किया लेकिन उन्नीस में गांधी जी के प्रयासों से यहां पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिला कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिला लिया वही मुस्लिम लीग जो कि आगा खां के नेतृत्व में मार्ले सुधारों की अगुवानी करने के लिए गई थी जिसने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था और कांग्रेस ने कहा कि यदि अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिमों ने कांग्रेस का समर्थन किया तो कांग्रेस खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का समर्थन करेगी खिलाफत आंदोलन क्या था

अपने द्वारा होमरूल आंदोलन चला रही थी और आगे चल करके अवग्या की तरफ जा रही थी इस दौरान साथियों यहां पर हुआ यह कि मुस्लिम लीग की मांग जो थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट को कांग्रेस मान्यता दे दे कांग्रेस की मान्यता थी कांग्रेस की मांग थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसे खिलाफत कमेटी अपना समर्थन दे दे दोनों के बीच में 1916 में लखनऊ में समझौता होता है किस बात को लेकर कांग्रेस ने कहा कि हम आपके सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को मानते हैं हम सही ठहराते हैं कि मुस्लिम अब केवल मुस्लिम को ही वोट देगा इससे मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हुई और यहां से साथियों जो स्थिति मजबूत हुई इसी खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी नेहरू जी जितने भी लोग थे उन लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए देश को एक करने के लिए इस प्रकार का जो स्टेप उठाया उस स्टेप के अंदर यह व्यक्ति भी नेता था यानी खिलाफत आंदोलन ने इस व्यक्ति को भी नेता स्वीकार किया था कौन नेता था यह फिर से सुन लीजिए हाजी जिसे खिलाफत नेता खिलाफत का भी नेता माना गया था क्योंकि केरल में अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ ये खड़ा हो गया था अब जो अंग्रेजों के खिलाफ ये कृषक आंदोलन में खड़ा हुआ व्यक्ति था लेकिन यह बाद में सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया सांप्रदायिक हिंसा में ऐसे बदला कि जो नेतृत्व अंग्रेजों को भगाने के लिए बनाया गया था वहां पर मोपलाओं ने जो विद्रोह कर दिया वो असल में जमींदारों के खिलाफ कर दिया जिससे हिंदू मुस्लिम लड़ाई होना शुरू हुई और अंग्रेजों ने इस हिंदू मुस्लिम लड़ाई को और प्रवोक कर दिया और प्रवोक करने पर इसे पूरी जगह प्रमोट कर दिया कि सांप्रदायिक हिंसा है और यह हिंसा साथियों 20 अगस्त 1921 को प्रारंभ हुई थी जिसके कल सौ साल पूरे हुए इस सौ साल पूरे होने में जो मेजोरिटी मुस्लिम थे उन्होंने माइनॉरिटी हिंदू के ऊपर अटैक किया जिसके चलते बहुत सारे हिंदुओं ने कन्वर्ट होकर के हिंदू से इस्लाम अपना लिया

पूरे की पूरे घटनाक्रम को जिसने सांप्रदायिक हिंसा को भी जन्म दिया था उसे अलग रूप देने का प्रयास किया साथियों केरल की जो लेफ्ट सरकारें रही उन्होंने इन आंदोलनों को आज से 20-25 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम का नाम दे दिया जिसको लेकर के लोगों के घाव भरे हुए थे घाव बने हुए थे किस चीज को लेकर के कि एक सांप्रदायिक हिंसा थी इस हिंसा को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दे दिया इतना तक हुआ कि उन्नीस सौ के नेताओं के ऊपर फिल्म भी बनाई गई फिल्म के अंदर जिस प्रकार से चीजें रिप्रेजेंट की गई थी उस फिल्म का नाम ही उन्नीस रख दिया गया था इसका भी काफी ज्यादा विरोध हुआ वर्तमान में यह हाजी के कारण चर्चा में आया हुआ है और जो बयानबाजी पॉलिटिकल हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि यह एक सोची समझी सांप्रदायिक हिंसा थी एक तालिबानी सोच थी जिसके चलते यह सारा काम हुआ था एक पक्ष जिसे इस प्रकार से कहता है कि पीड़ित किसानों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन किया था वही दूसरा पक्ष यह कहता है कि मुसलमानों ने माइनॉरिटी में हिंदुओं को मारने के लिए यह संगठित प्रयास किया था अब कौन सही कौन गलत यह तो इतिहास है और इतिहास को लोग अपने नजरिए से और अपने हित के हिसाब से निर्धारित करते हैं शायद ऐसा ही वर्तमान में हो रहा है फिलहाल के लिए आपको जो समझना चाहिए वो मोपला

उसने कहा है कि हम इसे एक साम्यवादी क्रांति के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते हैं ताकि हितों के लिए किस प्रकार से रूप में सेलिब्रेट करना चाहती है, है सत्तारूढ़ केरल की वही जो अपोजिशन नेता है वो ये कह रहे हैं कि यह है एक सांप्रदायिक हिंसा थी ठीक है तो उम्मीद है आप लोगों को जनरल हो गया होगा चलिए अगले

गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्विजिशन इसको समझने के लिए आपको एक बात बताते हैं उसके बाद शायद आप इसे रिलेट कर पाए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगी ठीक है कितने करोड़ की परचेज करेगी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की जाएंगी कब की जाएंगी छब्बीस अगस्त को परचेज की जाएंगी चलिए अब शुरू करते हैं क्या है पूरी कहानी इसे डिटेल में समझिए साथियों समझने के लिए इसके अंदर एक तथ्यात्मक जानकारी पहले जान लेना जरूरी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है देखिए इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं साथियों अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि दुनिया में बैंकों का मतलब भारत भारत में में दुनिया नहीं सॉरी बैंकों का बैंक कौन है तो आंसर निकल के आता है है आरबीआई बैंकों का बैंक है। अब इसको थोड़ा सा एक व्यवस्था है जिसको समझने के लिए आपको जो आज जो टर्म सिखा रहा हूं मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको समझने के लिए आप लोगों को एक टर्म और सीखनी पड़ेगी और वो टर्म है आरबीआई किस प्रकार से

आपने जमा कराए क्यों जमा कराए ताकि आपको सौ रुपए के ऊपर इंटरेस्ट दे सके ये बैंक है बैंक जो है वो आपको इस पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर सके सौ के एक सौ पांच बना के दे दे यानी कि जब यहां से रिटर्न होकर के आए आपके पास तो ये एक सौ पांच बनकर के आए आपने इस लालच में दे दिए ठीक है ये आप एक्स नामक व्यक्ति हैं मैं वाई नामक व्यक्ति हूं मैं बैंक गया मैंने कहा सर मुझे ना लोन चाहिए बोले कितने रुपए का लोन चाहिए मुझे सौ रुपए का लोन चाहिए बैंक ने मुझे सौ रुपए पकड़ा दिए सौ रुपए का लोन पकड़ा दिया तो बैंक ने कहा कि एक बात बताओ मुझे क्या लौटाओगे आपने कहा सौ रुपए तो लौटाऊंगा ही मैं सौ के एक सौ पांच लौटाऊंगा एक सौ दस लौटाऊंगा एक सौ दस रुपए लौटा दिए आ गई बात समझ में यानी बैंक ने आपका पैसा मुझे दे दिया आपका सौ रुपया मुझे दे दिया फिर आप पूछेंगे बैंक को क्या फायदा हुआ बैंक ने आपको तो वादा किया था कि वो देगी लेकिन बैंक ने असल में खुद ने वसूले दैट उसने पांच कमा लिए असल में बैंक पैसे कैसे कमाती है उसकी टोपी उसके सर रखकर पैसे कमाती है आ गई बात समझ में अच्छा अब बैंक के इस पांच रुपए को कैसे बड़ा करेगी बैंक क्या करेगी इस पांच रुपए से क्या क्या करेगी आप जरा सोच के देखो आप तो एक व्यक्ति हो बैंक के पास तो लाखों कस्टमर होते हैं करोड़ों कस्टमर होते हैं आपने अभी सौ रुपए रखे थे लेकिन हो सकता है आप एक हजार रुपए रखते एक हजार का यह रुपया पचास रुपया बनता पचास रुपए के हिसाब से एक करोड़ लोगों का पैसा अगर ऐसे भी रखा आया तो पचास इंटू एक करोड़ दैट इज पचास करोड़ रुपया इस बैंक ने केवल इधर से उधर करके कमा लिया इसलिए अपन को क्या बनानी है बैंक बनानी है क्लियर तो मुद्दा यह है कि ये जो पूरा पैसा इधर से उधर हुआ इस पूरे काम में पैसा कौन कमा रहा था बैंक कमा रहा था कितने रुपए कमा रहा था प्रति व्यक्ति पांच रुपए कमा रहा था अब आप पूछेंगे अच्छा तो बैंक की कमाई हमारे पैसे से ही होती है बिल्कुल होती है लेकिन बैंक भाई सब और समझदार है बैंक क्या करती है बैंक कुछ नहीं करती अब समझिए कि बैंक जो है ना वो खुद एक कस्टमर है आप ऐसे समझिए कि अब बैंक जो है इसका नाम हो गया ए बैंक अब हम एक और बैंक के पास चलते हैं हम एक और बैंक के पास चले वो ये रही हमने एक बैंक और बनाई इस बैंक का नाम है आरबीआई ठीक है हमने एक बैंक और बनाई यहां पर बनाई हमने और हमने एक बैंक यहां पर और बनाई उसका जैसे इसका नाम ए बैंक है और इसका नाम बी बैंक है अब क्या हुआ इस ए बैंक ने आरबीआई से कहा कि सर मैंने आपसे क्या कहा आरबीआई क्या है बैंकों का बैंक है बैंक होने का मतलब क्या हुआ इसकी टोपी उसके सर करने वाला है इधर से ए बैंक ने कहा कि सर मेरे पास में पांच रुपए है या समझिए कि पांच की जगह पांच सौ रुपए है ऐसे समझ लीजिए पचासो करोड़ रुपए कमाए ठीक है सर ये लीजिए मैं आपको पांच सौ रुपए दे रहा हूं मैं पांच सौ रुपए दे रहा हूं आरबीआई के अंदर जमा करा दिया क्योंकि बैंक भी तो सोचेगी ना उसका पैसा सेफ हो वो कहां करा रही है आरबीआई के पास बोले करा दे बेटे पांच सर मुझे पैसा वापस चाहिए कित, मतलब कितना रुपया दोगे बैंक से पूछा बैंक ने कहा चिंता मत कर मैं तेरे को पांच सौ पचास रुपए लौटाऊंगी किसने कहा आरबीआई ने कहा, कहा। बोले ठीक है सर दे दो कोई दिक्कत नहीं है जमा कर लो कर लिया सर अब इधर की तरफ बी बैंक आई बी बैंक आई जैसे यस बैंक आई या फिर जो बैंक डूबने वाली बैंक है वो आई सर मुझे लोन चाहिए मुझे जनता से तो पैसा मिल नहीं रहा मुझे बचने के लिए पैसा चाहिए बी बैंक को पैसा चाहिए था किससे आरबीआई से आरबीआई ने कहा ठीक है बेटा ये पकड़ पैसा आरबीआई ने इसको पैसा टिका दिया कितना रुपया रुपया ₹500 रुपया इसको टिका दिया रुपया इसको टिका दिया इससे पूछा बता भाई तू कितने लौटाएगा इसने कहा सर मैं 500 के 600 लौटाऊंगा आ गई बात समझ में भाई साहब 500 के 600 लौटाऊंगा इस तरह इसने कितने रुपए मुनाफा कमा लिया ₹50 मुनाफा कमा लिया किसने आरबीआई ने यानी कि अपन तो जो कर रहे हैं उससे बैंक कमा रहा है और बैंकों के बीच में लड़ाई झगड़े करवा करके पैसे कौन कमा रहा है आरबीआई कमा रहा है इसलिए आरबीआई आरबीआई को को क्या कहा 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 गया 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 बैंकों का बैंक कहा गया। किसको कितने रुपए कमा के बैठ गया पचास रुपए कमा के बैठ गया होगी कमाई ठीक है अब आप सोचेंगे सर इसका भी बाबा कोई तो होगा बिल्कुल होगा वो कौन है आइए चलते हैं उसके पास वो है अपनी सरकार सरकार गई इसके पास सरकार आती है सर अब सरकार को पता चल गया आरबीआई बढ़िया पैसा कमा रही है अब आप सोच के देखो इस बैंक ने तो पचास हजार करोड़ कमाए थे ये 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 करोड़ यहां देगी, यह यहां देगी देगी तो तो कितने कमाएगी है कि नहीं अब सरकार, के पास गया। सरकार ने कहा मैं रही सरकार सरकार ने कहा आरबीआई से कि आरबीआई मुझे तुम पैसे दे दो बोले बोलो सर पैसे तो दे देंगे अपने पास कमी नहीं है कितने रुपए चाहिए बोले आपको बताओ बोले यार तुम ना मेरे को पांच सौ रुपए दे दो या फिर पांच हजार रुपए दे दो क्योंकि अब तो आरबीआई बहुत कमा रही है ना कोई कमाई के अंदर तो कमी है ही नहीं बोले ठीक है लो सर पांच हजार रुपए दे देंगे <laughs> बैंक ने पूछा सरकार से कि सर एक बात बताइए आप मुझे लौटाएंगे क्या बोले बेटे मैं तुम्हें पांच हजार रुपए का छह हजार रुपये लौटाऊंगा आरबीआई खुश बोले अपन को तो सब तरफ से पैसे कमाने क्या दिक्कत है अच्छा लेकिन अब यहां पर यह जो छह हजार रुपए दे दूंगा इस शब्द की वैल्यू कैसे मान ली जाए पता चले कि भाई भाजपा सरकार में पैसे लिए थे सरकार ने, मतलब मंत्री जी ने कह दिया कि छह हजार रुपए लौटा दूंगा सरकार ही बदल गई कांग्रेस सरकार के अंदर पैसे लिए थे सरकार बदल गई सरकार बदल गई तो दिक्कत हो जाएगा आयुर्वेद डूब जाएगी तो ऐसी स्थिति में साथियों सरकार लिखित में एक कागज देती है दोबारा से सुनिएगा साथियों पर जैसे 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 ऐसे समझिए जब आप लोग यहां पर अपना पैसा जमा कराने जाते हैं ना तो आपको बैंक एक पेपर देती है जिसपे लिखा होता है एफ डी सर्टिफिकेट आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है इसकी एंट्री हमारे पास है ले जाओ वापस आओ तब दिखा देना पैसे ले जाना आगे बात समझ में जैसे आप एफडी बोलते हैं ठीक है ऐसे ही जब आप पैसा लिए तो लोन का पेपर बनता है कि ये लोन का पेपर है कि मेरे पास गारंटी है कि तुमने पैसा लिया था लिखित में स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ है कि तुमने लिया था अब ध्यान से समझना आरबीआई समझदार आरबीआई ने कहा सर आप चले गए माई बाप तो मैं तो मर जाऊंगा तो बोले फिर बोले ऐसी स्थिति में ना आप मुझे लिखित में कोई गारंटी दो कि आप जब चले गए तो आपके बाद वाली जो सरकार है वो भी पैसा चुकाएगी बोले बेटा जा तथास्तु मैं तुमको गारंटी देती हूं शपथ पत्र देती हूं क्या शपथ पत्र दिया सरकार ने कि मैं तुम्हें शपथ पत्र देती हूं कि मैं तुम्हें 6000 हजार रुपए लौटाऊंगी किसने दे दिया ये सरकार ने शपथ पत्र दिया छह हजार रुपए का इसी शपथ पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट फॉर्म में इसी को बोलते हैं जी सेक इसी को क्या बोलते हैं जी सेट इतनी बात समझ में आ रही चलिए अब आगे की बात बढ़ते हैं साथियों है। से हम गारंटी लेके आ गए हैं लेकिन जैसे ही इन बैंकों को पता चला मान लो कि ये ए बैंक एस थी ये बी बैंक जो थी वो यस बैंक थी ए बैंक को पता चला कि आरबीआई ने तो खुद ने तो बेटा गारंटी मांग ली है खुद ने तो सरकार से गारंटी मांगी है कि पैसे लौटाने की गारंटी दो पैसे लौटे नहीं है अभी तक लेकिन इसने कागज ले रखा है छह हजार रुपए का गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रखी है इसने कह रखा है कि सरकार लौटाएगी अच्छा तो अब इस बैंक को जब यह पता चला तो यह बैंक जब अपने पैसे जमा कराने गई थी ना तो यह बैंक जब पैसे जमा कराने गई तो आरबीआई से बोली माननीय आपसे निवेदन है बोले बताइए बोले आपने जो पांच सौ रुपए हमसे लिए हैं ना इसकी एवज में कुछ लिखित में दे दो ने का, ला पेपर दे में के हूं। नहीं नहीं, नहीं। भरोसा नहीं है ना तक चलेगी इसकी नहीं तो उसकी चलेगी बोले हाँ तो बोले एक काम करो सर हमको ना पैसे की एवज में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो ये पैसे वैसे रहने दो हमको जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे ना हमको तो केवल गारंटी दे दो आप तो भाई साहब सरकार को जो मिली हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी आरबीआई वो इनको टिका देती है कि जा बेटे खुश रहे तो पांच सौ रुपए दे जा उसकी बदले में इतने रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जा कि तू ये ये दे जाना और ये ले जाना बोले ठीक है आ गई बात समझ में ऐसे ही यहां पर हुआ तो ये सारी जो चीजें चल रही थी जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटियों का आना जाना हो रहा था बैंक बढ़िया तरीके से समझ चुकी थी कि अब बेटे बढ़िया से अपने पास सरकार का धन रखा हुआ है जब भी कोई जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस आरबीआई को टिकाएंगे और उससे पैसा ले लेंगे चल रही है व्यवस्था ठीक है साथियों अब व्यवस्था ऐसी बन गई कि बैंक वालों को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास भेजते हैं सर वो आपने कहा था मुझसे 500 का 550 दोगे दे दो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इधर देता है आरबीआई पैसा इनको पकड़ा देता है सिंपल क्योंकि पहले तो पैसा लिया नहीं उसने अब तो केवल इतना है सर 500 का 550 करने की आपने गारंटी दी देती है। exactly ऐसे ही, RBI ने कहा है कि वो पच्चीस हजार करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी दोबारा से सुनिए दोबारा से सुनिए आरबीआई ने क्या कहा है इस न्यूज को पढ़िए आरबीआई ने कहा है कि वो पच्चीस हजार करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी इसका मतलब क्या हुआ किससे खरीदेगी बैंक वालों से बैंक वालों से खरीदेगी का मतलब हुआ कि वो इनसे कहेगी कि तुम अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो अपने पास रखे हुए हो वो मुझे दे दो और मुझसे पैसे वापस ले लो क्योंकि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखने की स्थिति में नहीं हूं मैं चाहती हूं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो तुम लोग ले जाओ मैं मतलब सॉरी तुम तु, 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 तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी वो तो मुझे दे दो और पैसे तुम लोग ले जाओ यार मैं नहीं रखना चाहती पैसे ये कौन कर रहा है आरबीआई आरबीआई क्या चाल चल रही है बोले ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने दी थी ना तुमको ये वापस लौटाओ वापस लौटाओ और लौटा के अपने अपने पैसे ले जाओ अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ पैसे अपने अपने लौटाओ की बात चल रही है तो ऐसे तो बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा हाँ तो उसको फिर बैंक क्या करेगी बैंक कैसे कमाएगी बैंक कैसे कमाएगी बैंक के पास जैसे ही पैसे आएंगे पच्चीस हजार करोड़ तो बैंक कैसे कमाएगी बैंक के लिए बैठे हुए हैं ना अपने जैसे एबीसीडी ये इनसे कहेगी कि लोन ले लो आप कहोगे नहीं चाहिए अरे पांच परसेंट में ले लो बोले नहीं चाहिए अरे चार परसेंट में ले लो यार पर लोन ले लो क्योंकि मैं कैसे कमाऊंगी मैं मर जाऊंगी आ रही बात समझ में मुद्दा यह है कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के दम पर इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के दम पर बैंक जो है इस पच्चीस हजार करोड़ रुपए को आप लोगों को टिकाएगी आप जैसे कईयों को टिकाएगी क्या कहेगी कम लोन ले लो कम ब्याज पर ले लो पर पैसे ले लो आगे बात समझ में अर्थात होने वाला क्या है होने वाला यह है कि लोन सस्ते होने वाले हैं लोन सस्ते क्यों होंगे क्योंकि बैंकों के पास पैसा आएगा बैंक का पैसा आरबीआई के पास नहीं जाएगा तो वो जनता के पास आएगा और बैंकों को जनता तक पैसा पहुंचाना है और जनता लेने से इनकार कर रही है तो सस्ते दामों पर आएगा आप पूछेंगे जनता इनकार क्यों करेगी अरे भाई जनता हाई इंटरेस्ट रेट पर क्यों लेगी जनता तो तभी मोटिवेट होगी ना जब सस्ते में मिलेगा गई बात समझ में इससे क्या होगा लोगों के पास पैसा आएगा लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा मांग बढ़ेगी मांग बढ़ेगी तो क्या होगा लोग दुकानदार दुकानें सजाएंगे कि भाई दुकानदार कहेगा कि अरे देखो भाई साहब पैसे लेके आ रहे हैं जल्दी से माल बनाना है बनाना है फटाफट मिठाई लेंगे ये आप खरीदेंगे हमसे ये फलाने सिंह सीमेंट खरीदेंगे ये बजरी खरीदेंगे सरिया खरीदेंगे बनाओ तो ये फटाफट बनाना शुरू कर देंगे इससे क्या होगा मार्केट में वृद्धि होगी मार्केट ग्रो करेगा इसी को ग्रोथ रेट इंक्रीज करना कहते हैं आगे बात समझ में तो इस पूरी प्रक्रिया को जिसमें आरबीआई पैसे से पैसा बना रही थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी घुमा घुमा करके आपको टिका रही थी तो साथियों इसे क्या कहेंगे इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा टर्म आपने सीख लिया दैट नॉन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है जिसके तहत आरबीआई करती क्या है आरबीआई एक का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त करके मार्केट में पैसा बढ़ाती है या पैसा घटाती है एक जो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है वो क्या है महंगाई बढ़ सकती है वो कैसे भाई गलती से पैसा लोगों के पास ज्यादा आ गया और माल इतना था नहीं तो उस पैसे से कम माल की मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ते ही पूर्ति कम होने पर यानी सप्लाई कम होने पर प्राइसेज इंक्रीज हो जाएंगे और इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा ऐसा सोचना है तो जल्दी से एक बार थम्सअप करके बता दो कितनी बात समझ में आई थम्सअप कर दो वीडियो को लाइक कर दो इकोनॉमिक्स का आज आपने एक बेहतरीन कंसेप्ट सीख लिया है अगर समझ में आया हो तो थम्सअप कर दो वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्लियर हो गया यह है सारी कहानी जहां तक मैंने आपको समझा दी ये सारा लिखित में है कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर्सनल जो है अंकित अवस्थी सर उस पर भी मिल जाएगा और अंकित अवस्थी सर अनकेडमी जो ऑफिशियल है उस पर भी मिल जाएगा ठीक है उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ और यह प्रश्न जो है यह दुनिया में भैया इन दिनों गजब चर्चा में चल रहा है और इसका नाम है इंसेन आंदोलन अब सवाल बनता है इनसेल आंदोलन है क्या आगे बताते हैं इनसेन आंदोलन क्या है क्या हुआ इसके अंदर बहुत अच्छे से समझ में आ गया टीना दीपक उज्जवला नीतीश सभी को समझ में आ गया बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं साथियों इनसेल आंदोलन क्या है साथियों हाल ही में क्या हुआ अपने यहां पर यूके के अंदर एक घटना हुई और घटना क्या हुई यूके के अंदर एक जगह है जिसका नाम है प्लाई माउथ उथ नामक स्थान पर एक 22 साल के युवक ने एक 22 साल के युवक ने पांच लोगों के ऊपर गोली चला दी उन पांच लोगों के ऊपर गोली चलाई उसमें से एक बच्चा तो टॉडलर था छोटा सा बच्चा था उस पर भी गोली चला दी और यह वर्ष कंडीशन कही जा रही है ब्रिटेन की हिस्ट्री में वर्ष दो से लेकर लास्ट दस साल में ऐसी हिंसा दस साल में पहली बार देखी गई है आप, आप पूछेंगे क्या हुआ यहां पर एक व्यक्ति ने जो 22 साल का था इसने पांच लोगों पर गोली चला दी गोली क्यों चला दी साहब क्योंकि इंसेल क्या होता है इंसेल मूवमेंट आफ्टर ऑल कैसे निकल के आया क्या है ये कहानी साथियों इंसेल मूवमेंट का अर्थ है कि ये वो व्यक्ति था जिसे लोग पसंद नहीं थे क्यों पसंद नहीं थे क्योंकि इसे लगता था कि ये सिंगल इसलिए है अब आप ध्यान से सुनिएगा ये है एक मनोचिकित्सकीय बीमारी है और वो कईयों में से आप में से भी जो आज मुझे सुन रहे हैं उनमें भी हो सकती है क्या है कई बार ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस कुंठा में जी रहे होते हैं अंदर से आत्मग्लानी होती है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है उनकी कोई महिला मित्र नहीं है और उन्हें लगता है कि उनके महिला मित्र ना होने के पीछे कारण यह है कि कोई एक्स बंदा ऐसा है या एक लड़का ऐसा है जिसकी चार चार गर्लफ्रेंड है अब यह बात सुनने में थोड़ी सी इस मंच के माध्यम से थोड़ी विचित्र लग सकती है लेकिन यह ऐसी कुंठा आजकल के यूथ में बहुत जबरदस्त पनप रही है सब जगह और इस कुंठा को इनसेल नाम दिया गया है इनसेल क्या है इनसेल ध्यान से सुनिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस विचार में होते हैं किस विचार में कि यार मेरी तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई की चार है ये भाई साहब जहां जाते हैं यहां वहां इनके महिला मित्र बन जाते हैं इन भैया की तो शादी भी हो गई वाइफ भी इनकी बहुत सुंदर आ गई है अपने वैवाहिक जीवन में खुश हैं या फिर ये अपनी महिला मित्र के साथ खुश हैं आपके मन में अचबी कुंठा बन रही है अच्छा इसमें कुंठा के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या होता है जो दूसरे लोग हैं जिनके मित्र महिला मित्र हैं या फिर वैवाहिक जीवन जी रहे हैं वो बोस्टिंग करते हैं बोस्टिंग का मतलब डींगे हैं डींगे से मतलब क्या हुआ एक भाई साहब है जिनकी चार चार गर्लफ्रेंड है है या एक एक महिला है जिनके बॉयफ्रेंड हैं गलत आपत्तिजनक मत लीजिएगा लेकिन यह बात वास्तविकता है जो कि इस समय दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मतलब मुद्दा बन के निकली है और क्या है भाई साहब ये जो महिला या पुरुष जो है ये अपनी डीगे हाक रहे हैं क्या हाक रहे हैं अपनी तो चार चार है भाई दूसरी तरफ बोल रहे अपने तो चार बंदे हैं एक रिचार्ज कराता है एक खाना खिलाता है एक घुमाने ले जाता है मतलब ये हो रहा है कि यहां डायलॉगबाजी चल रही है और डायलॉगबाजी किस बात की चल रही है और एक बंदी अथवा बंदा एक लड़का अथवा लड़का ऐसा है जो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार इसके भी इतनी गर्लफ्रेंड है एक लड़की कुंठित हो रही है यार इसके इतने बॉयफ्रेंड है इसका तो मोबाइल का खर्चा कोई उठा रहा है घुमाने का खर्चा कोई दे रहा है इसको नई नई ड्रेसेस आ रही है हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है ये जो कुंठित मनोभाव है जिसमें कि आप लोग एक प्रकार से ब्रह्मचारी हैं ब्रह्मचारी क्यों हैं आप चाहते तो नहीं है लेकिन समाज ने बना दिया यानी कि आप एक अलग प्रकार की सेवेसी जी रहे हैं एक ऐसा ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं कि आप खुद नहीं चाहते थे ब्रह्मचारी होना लेकिन आपको समाज ने बना दिया क्योंकि विकल्प नहीं थे ऐसे कुंठित लोगों के द्वारा जब समाज से बदला लिया जाता है समाज को जिम्मेदार ठहराते हुए तो उसे इनसेल मूवमेंट कहा जाता है साथियों जो घटना ब्रिटेन के अंदर हुई है उस घटना ने पूरी दुनिया में इस बात का ध्यान आकर्षित किया है कि बहुत सारे लोग इस समाज में अब ऐसे पनपते जा रहे हैं जो दूसरे लोगों की जिंदगी से एक प्रकार की जेलसी एक प्रकार का मनोभाव रखते हैं और वो उस मनोभाव के चलते वो दूसरे के ऊपर आपत्तिजनक प्रकार से हमला कर देते हैं और यही हमले का परिणाम था ये इस व्यक्ति के बारे में जब पता चला इस लड़के के बारे में जिसने ये काम किया तो वो अपने YouTube वीडियोस के माध्यम से इस प्रकार की बहुत सारी कमेंट्री किया करता था वो अपने खुद के वीडियोस बनाया करता था और वो हमेशा समाज के अंदर ऐसे लोगों को जिम्मेदार ठहराता था कि इन लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है ये जैसे आपने कई बार देखा होगा वैलेंटाइन डे के अवसर पर बहुत सारे लोग आपको पार्कों में डंडा जो है वो आजमाते हुए दिख जाएंगे लेकिन अधिकांश लोग उसमें से वो इनसेल वाले ही होते हैं ये इंडिया में भी एक अलग रूप इसका दिखाई पड़ता है आपको वैलेंटाइन डे के अवसर पर कई मित्र ऐसे दिख जाएंगे जो कि एक मतलब बीड़ा लेके उठते हैं कि पार्क में बैठे हुए नव युवक युवतियों को छुड़ाना है घर तक ले जाना है मार कुटाई मचानी है ये जो घटना है ये इनसेल है क्योंकि वो वो लोग हैं जो अंदर से कुंठित हैं इस विचार के साथ में कि यार उनकी तो गर्लफ्रेंड नहीं है हाँ लेकिन अब हमें अपना किस प्रकार से बचाव करना है तो हम कहेंगे कि यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है साथियों संस्कृति के खिलाफ हो वो चीजें वो तो समाज खुद ही एक्सेप्ट नहीं करता आपका कथन तब तक सही हो सकता है जब वो किसी सार्वजनिक स्थान को जो कि प्रोहिबिटेड है साथ बैठने के लिए आप वहां पर उन्हें पाए लेकिन जब कोई पार्क बनाया ही बैठने के लिए गया है अगर कोई आपत्तिजनक अवस्था में नहीं है तो आप कानून हाथ में लेने वाले कौन होते हैं अगर आपको लगता है कि कोई पब्लिक डोमेन के अंदर इस प्रकार का गलत कार्य कर रहा है जो कि समाज के लिए ही नहीं कानूनी रूप से भी गलत है तो पुलिस को इन्फॉर्म करिए आप कानून हाथ में लेकर के कानून के खिलाफ जा रहे हैं और कानून के खिलाफ जाते समय आप इस मूवमेंट के पार्टिसिपेंट बन रहे हैं anyway, फिलहाल के लिए एक अपने आप में चेतावनी है जो आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई होगी चलिए तो उम्मीद है आपको यह बात क्लियर हो गई होगी तो इनसेल ए न्यू टेरर थ्रेट टू यूके और इन दिनों यूके में यह जबरदस्त पनप रही है और इसे इन

मोदी ने किस राज्य में 20 अगस्त को कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया पांच मिनट में पांच सवाल हैं ये छोटे छोटे से इंफॉर्मेटिव हैं। गुजरात के अंदर किया है सोमनाथ मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की स्थापना की गई है सोमनाथ टेंपल कहां पर है तो गुजरात के अंदर है और सोमनाथ के अंदर उन्होंने मतलब जो सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर है उसके नव निर्माण की योजना का प्रारंभ किया है सोमनाथ टेम्पल के बारे में अगर हम बताएं तो ये सोमनाथ सिटी सौराष्ट्र के अंदर स्थित है जो कि गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट पर पाया जाता है ये जो बारह ज्योतिर्लिंग है उनके अंदर से एक माना जाता है और यह महत्वपूर्ण जो है टूरिज्म स्थल है इसका इसके ऊपर जो ऐतिहासिक जानकारी है वो ये है कि कई मुस्लिम आक्रांताओं ने इसके ऊपर अटैक किया और कई बार इसके ऊपर मुस्लिम ने अटैक किया था वो, का वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ठीक है तो यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा काफी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इनग्रेट किए गए हैं

एंड दूसरी थी जियोलॉजिकल लोगों निकाली है? के द्वारा जानकारी निकाली गई है और यहां से निकल के आया है कि हाइड्रोमीटोलॉजिकल तीन साल के अंदर अड़सठ सौ लोगों की जान चली गई है जिसमें सबसे ज्यादा जो जाने गई वो वेस्ट बंगाल के अंदर गई है इस प्रकार की कैलॉमिटी के कारण ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले इंफॉर्मेटिव सवाल की तरफ हाल ही के अंदर साथियों आरोग्य भारत जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 18 अगस्त को कौन सी परियोजना शुरू की तो आरोग्य धारा जो हाल ही में शुरू की गई है 2.0 18 अगस्त को मनसुख मांडविया जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा की गई है इसके अंदर अधिकार पत्र अभिनंदन पत्र और आयुष्मान मित्र प्रकार की चीजें शुरू की गई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को पांच लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाता है जिसके माध्यम से वो लोग हॉस्पिटल में जाकर के अच्छे से एडमिट होकर अपना इलाज करवा सकते हैं इसके अंतर्गत होना क्या है इसके अंतर्गत दो करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन अंदर आयुष्मान भारत के अंदर करवाए जाने की योजना रखी गई है यानी कि लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो पाए दो करोड़ तक इत, इस प्रकार से मतलब कर, म, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने का कार्य किया जा रहा है इसके अंतर्गत होगा ये कि लोगों को कहा जाएगा कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ करके यूज करके क्या कर सकते हैं वो यूज करके हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं लोगों के अंदर एक प्रकार से जागरूकता फैलाई जाएगी

हैं आखिरी प्रश्न जो है आपके पास में इंफॉर्मेटिव मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो 20 अगस्त के दिन विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे तो मनाया जाता है ताकि लोगों को मच्छर के बारे में जानकारी दी जा सके मच्छर के काटने से वर्ल्ड मॉस्किटो जो है वो मतलब दिवस मनाया जाता है लोगों को मलेरिया के बारे में क्योंकि मॉस्किटो के काटने से मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया येलो फीवर जीका वायरस, स वेस्ट नाइल फीवर वायरस ये आदि बीमारियां होती हैं। ये 20 अगस्त को हाल ही में मनाया गया है रोनाल्ड रॉस के कहने पर ये पहले बार मनाया गया था लोगों के अंदर जानकारी इसके बारे में फैलाई जाती है ठीक है ना रॉस ने नोबल पुरस्कार जीता था क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बताया था चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था अन्य जानकारियों में ये दोनों दिवस के बारे में वर्ल्ड डे और वर्ल्ड मॉस्किटो डे के बारे में बताया गया है साथियों मेरा रेफरल कोड है अंकित टेन जिसका उपयोग करके आप आपकेडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अब आपकी जो क्लास है वो मंडे को होगी जिसमें फ्री स्पेशल क्लास में हम बिगनर्स टू मास्टर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं आर का टेस्ट कल संडे के दिन सुबह आपका आर का टेस्ट लिया जाएगा दो आर के टेस्ट ड्यू चल रहे हैं लास्ट वाले आर का टेस्ट

सम्मान करें छोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें धन्यवाद